शाहिद, दीपिका, रणवीर की फिल्म पद्मावत की सोलो रिलीज के लिए अक्षय कुमार ने लिया था बड़ा फैसला। मैं पर्सनली चाहूंगा कि इनकी फिल्म सोलो आ जाए क्योंकि देयर इज अ बिग थिंग ऑन स्टेक एंड दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट, सो आई विश हिम अ लक एंड गुड लक। अक्षय कुमार ने पद्मावत के लिए अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज डेट को कर दिया था पोस्टपोन। पद्मावत के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अब अक्षय के इस फेवर को करेंगे अपने अंदाज में रिटर्न। I will be grateful to him for a lifetime for what he has done. भंसाली किस अंदाज में करने वाले हैं अक्षय का फेवर रिटर्न? लाख कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद पद्मावत रिलीज हुई और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स, लेकिन फिल्म को मिल रहे सक्सेस में कहीं ना कहीं अक्षय कुमार का हाथ भी है। There is a big thing on stake and they have gone through a lot, so I wish him a luck and good luck. जैसा कि आपको पता है कि अक्षय कुमार ने पद्मावत को सोलो रिलीज मिले इसलिए अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी, जिसके बाद भंसाली ने भी ऐलान किया कि वो अक्षय के इस जेस्चर के लिए जिंदगी भर के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। तो दो मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो तू चाहे जैसे चाहे मैं तेरे साथ हूँ। And I think it needs a very large heart. You have to be able to exude so much goodness. I couldn't believe what I was hearing. And I think I will be grateful to him for a lifetime for what he's done. अब सोर्सेस की माने तो भंसाली ने अक्षय को फेवर रिटर्न करने का प्लान किया है। कहा जा रहा है कि दोनों में एक फिल्म को लेकर बात हुई है। भंसाली का अगला प्रोजेक्ट तो खैर फाइनलाइज हुआ नहीं है, पर उन्होंने अक्षय से कहा है कि उनके फ्यूचर में अक्षय के साथ काम करने की इच्छा है। तो दो मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो तू चाहे जैसे चाहे मैं तेरे साथ हूँ। वेल, अक्षय कुमार और संजय लीला भंसाली अगर साथ में किसी फिल्म पर काम करते हैं तो ये व्यूअर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों का ये प्रोजेक्ट वर्कआउट हो जाए और हमें ये फिल्म जल्द से जल्द देखने मिले। फॉर संदेश अगाठे, जूम, मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.